Hello everyone, I welcome you all to the Study squad and it's time to start today's session. In today's session, we will cover ki, news analysis, current affair, and lastly, the book app part. All in just 10 minutes. So, if you are new to channel, pe, so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session, you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज है अबाउट द यूरोपियन यूनियन अब आप सबको पता होगा कि रेड सी में अभी तक चल रहे हैं आपके क्राइसिस एंड रीजन क्या है उस क्राइसिस का रीजन है हाउथी रेबल्स ओके दीज आर द रेबल्स या रेबल ग्रुप जो आपका बैक किया गया है बाय ईरान ईरान इसे बैकिंग देता है ये एक शिया मेजोरिटी ग्रुप है आपका ठीक है और ये इीगली या कह सकते हो आप ऑक्यूपाई कर रखे प्लेस यमन में ओके okay. आप सबको पता होगा कि इजराइल और गाजा में चल रही है वॉर रिसेंट में हमने देखा था कि वहां पर सीज फायर का एक रेजोल्यूशन आया था बाय द यूएनएससी जहां पर यूएस ने अपना वीटो दे दिया था तो अभी तक वहां पे सीज फायर का कोई भी रेजोल्यूशन पास ऑन नहीं हुआ है एंड स्टिल द स्ट्राइक्स आर गोइंग ऑन ओके जस्ट बिकॉज गाजा में गाजा में किसने ट्रबल कॉज की थी देखो आपके हामास, हामास थे जिन्होंने अटैक किया था फर्स्टली इसराइल पर एंड दीज हामाजो बैक्ड बाई ईरान सो आपको पता होगा गाजा में ट्रबल है बिकॉज ऑफ दैट उथी ने भी ट्रबल क्रिएट कर रखी है आपके रेड सी रीजन में अब मैप से देख लेंगे एक बार देखो ये रहा आपका रेड सी रीजन दिस इज योर स्विश किनाल वेरी इंपॉर्टेंट रूट बिकॉज यहाँ से आपकी सारी मर्चेंट शिप्स और कार्गो शिप्स पास होती हैं जहां पर ये अटैक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली द ऑब्वियसलींटायर वर्ल्ड इज गेटिंग बॉर्डर्ड बिकॉज ऑफ दिस ठीक है ये इनका रीजन है जहां पर ये अटैक्स कर रहे हैं आपके बाब अल मंदीप स्ट्रीट के अंदर ओके okay? ये ये यमन का रीज़न है जहां पर आपके हाउथी रिसाइड करते हैं अब देखो रिसेंट में यूएस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन ओके सो दैट वाज यू ऑपरेशन जो यूएसए ने लॉन्च किया था सो so, दैट ये हाउथी रेबल्स के आपको इनके अटैक्स को कम कर पाए काउंटर कर पाए बेसिकली ठीक है इसमें याद रखना इंडिया एक पार्ट नहीं था इंडिया ने ऑपरेशन ज्वाइन नहीं किया था ये चीज याद रखना इस पर क्वेश्चन आ सकता है अब देखो रिसेंट में आपके यूरोपियन यूनियन ने भी एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया है एक मिशन स्टार्ट किया है उसके बारे में ये न्यूज आई आपकी ओके सो वी गोना स्टडी दैट अब देखो इन्होंने कौन सा मिशन आ, अपना लॉन्च किया है इन्होंने अपना मिशन लेड किया है बाय द यूरोपियन यूनियन एंड नेम इज स्पाइड्स स्पाइड्स नाम का मिशन इन्होंने लॉन्च किया है ये एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है शील्ड ओके सो द मीनिंग है इसके अंदर ये यूरोपियन यूनियन अपनी थ्री यूरोपियन वॉरशिप्स एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डिप्लॉय करने वाले हैं रेड सी के अंदर द गल्फ ऑफ़ एडियन एंड द सराउंडिंग रीजन अब इन्होंने बोला क्या है देखो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम डिफेंसिव रहेंगे और ये सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए है हमारी कार्गो शिप्स और मर्चेंटशिप जो वहां की है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये मिशन लॉन्च किया है दिस इज वॉट दे हैव सेड ओके ऑफेंसिव नहीं जा रहे हैं यहाँ पर एक और चीज याद रखना यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स अभी इसके पार्ट नहीं है ठीक है लाइक देर इज स्पेन जो इसका पार्ट नहीं है और बाकी बहुत सारी आपकी की लैंड लॉक्ट कंट्रीज हैं ठीक है थीके? वो भी इसका पार्ट नहीं है अभी एट प्रेजेंट इंडिया तो ऑब्वियसली इसका पार्ट नहीं है तो ये भी याद रखना मिशन का नेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर नेम याद रखेंगे आप लोग ठीक है सिंस यूर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन तो देखो आप यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है इसके सारे मेंबर्स करंटली कितने मेंबर्स हैं करंटली ट्वेंटी एट मेंबर्स हैं रिसेंट एडिशन कौन सी थी इसमें रिसेंट थी आपकी क्रोएशिया क्रोएशिया वॉज द रिसेंट एडिशन रिसेंट में ये भी न्यूज़ आई थी फ्रांस के बारे में जो आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट है कि उसने जो आपका हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें टॉप किया है ओके okay? मूविंग ऑन अब हम आ जाते हैं सी ए बात पे अपने सो so, रिसेंटली आपका श्री कलकी धाम टेम्पल ये इनोग्रेट हुआ है और उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है ये टेम्पल कहां पर है ये टेम्पल है आपका संबल में विच इज एन उत्तर उत्तर प्रदेश ओके okay? ये किसने किया, किया गया है आर जी ने, okay? हम आ जाते हैं, एक इनिशिएटिव so, लॉन्च किया है बेसिकली ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है क्योंकि ये इन्हांस करेगा आपकी एफिशियंसी और कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ द इंडियन पोर्ट सो इंडियन पोर्ट्स की एफिशियंसी और इंक्रीज करने के लिए इनिशिएटिव आया है और उसका नाम है सागर ओके दिस इज द द नेम ऑफ इनिशिएटिव यहाँ पर मेन एम क्या है एफिशिएंसी बढ़ाएगा कॉम्पिटेटिवनेस इंक्रीज करेगा इंडियन पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो आपके इंडियन पोर्ट्स कितने हैं यहाँ पर देख सकते हो थर्टीन आपके मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में ओके रिमेंबर दैट थोड़ा सा पार्ट रिवाइज करेंगे ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है हमारे यहाँ ओल्डेस्ट पोर्ट है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट ऑफ कोलकाता ये कोलकाता में है दिस इज द ओल्डेस्ट पोर्ट कमीशन हुआ था 1870 में नेक्स्ट मुंबई पोर्ट है आपका बिगेस्ट पोर्ट बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है बिजीएस्ट पोर्ट है आपका दीनदयाल पोर्ट या जिसे हम कहते हैं कांडला पोर्ट दैट्स इन गुजरात ओके यहाँ पर नेम आप सब देख सकते हो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहां पर ये आप अच्छे से रीड कर सकते हो नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं इन एक्स सबमिट अब देखो ये सबमिट रिसेंटली आपका डेली में हुआ है ये सबमिट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुआ है ये सबमिट अब क्यों हुआ है ये सबमिट ये सबमिट हुआ है ताकि जो हमारे डिफेंस है डिफेंस में हम अपनी कॉपरेशन और इंक्रीज करें हम इनोवेशन की तरफ मूव करें साथ में ओके सो दिस वाज द मेन एम ऑफ दिस समिट ये था आपका इंडस एक्स सबमिट जो रिसेंटली डेली में हुआ है आपका इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस जो आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर अदर दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये सब इसके पार्ट थे मेन एम है इसका टू ड्राइव स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बिटवीन द टू नेशन डिफेंस के सेक्टर में हमारी कॉपरेशन और ज्यादा इंक्रीज हो ये इसका मेन एम था नेक्स्ट हम बैंक बैंक के ऊपर अब देखो DBS ने रिसेंटली एक एमओयू साइन करा है आपका एमओयू यू क्यों साइन किया है एमओयू यू साइन किया है इन्होंने बेसिकली ताकि जो आपके फ्रॉड्स हो रहे हैं फ्रॉड्स इन्वेस्टमेंट की फील्ड में जो काफी ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ओके okay? और सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये इसलिए इन्होंने एमओ यू साइन किया है अब किसके साथ इन्होंने कोलाबरेट किया है सो so, इन्होंने कोलाबरेट किया है आपके इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ ओके सो रिमेंबर द नेम है ये आपकी फाउंड हुई थी स्टैब्लिश हुई थी इन ट्वेंटी एंड ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स के अंडर ओके नेक्स्ट आ जाते हैं जम्मू अब देखो रिसेंटली हमारे पीएम ने जम्मू में विजिट की थी अब जम्मू में अगर इन्होंने विजिट की है तो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने इनोग्रेट किए हैं वहां पे so, सो कौन से कौन से प्रोजेक्ट्स इनोग्रेट हुए हैं अब देखो रिसेंटली इन्होंने बात की है अबाउट द वर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे ब्रिज की बात हुई है और ये होने वाला है ये बनने वाला है आपका जम्मू में सो so, कौन सी रिवर के ऊपर से बनेगा ये सो so, ये बनेगा चनाब के ऊपर से ठीक है सो so, यहाँ पे रिवर का नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है कितनी इसकी हाई होगी okay? so, को भी सरपास कर देगा, होगा इसका किलोमीटर और क्रिटिकल होने वाला है आपका 111 किलोमीटर ऑफ कतरा बनिहल स्ट्रेच ऑफ श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का ओके okay? तो so, ये भी है। इसके अलावा इन्होंने एम्स के बारे में बात की है ठीक है आपका एक नया एम्स खुलने वाला है जम्मू में इन द विजयपुर सांबा रीजन में ठीक है नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं जीवन रक्षा पदक के ऊपर सो रिसेंटली ये जीवन रक्षा पदक दिया गया है या इससे सम्मानित किया गया है आपकी शशिकांत कुमार को एंड ही कॉन्स्टेबल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्सिसके सो रिपब्लिक डे सेमनी के टाइम पे इन्हें से सम्मानित किया गया था तो किसने प्रेजेंट किया था ये ये प्रेजेंट किया जाता है बायर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ये प्रेजेंट करते हैं पहली बात अब इसके नेम से भी काफी एविडेंट है कि ये पदक क्यों दिया जाता है ये बेसिकली कोई भी आपका इंडिविजुअल या सिटीजन ऑफ इंडिया जिसने अपनी लाइफ या अपनी लाइफ, you know, लाइफ को बारे में नहीं सोच के दूसरे की लाइफ के बारे में सोच के उसको प्रोटेक्ट किया है और अपनी ब्रेवरी शो करी है उन्हें यह पदक दिया जाता है बेसिकली किसी की जीवन रक्षा करी है आपने ठीक है ये स्टेब्लिश हुआ था आपका नाइनटीन में ओके ब्रेवरी शो करके किसी और की लाइफ बचाई है तो ये आपको पदक दिया जाता है ठीक है इसकी तीन कैटेगरीज होती है तो पहली होती है आपकी सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक फिर आती है आपकी उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड लास्टली आता है आपका जीवन रक्षा पदक ओके नेक्स्ट आ जाएंगे हम इंडियन आर्मी के ऊपर अब इंडियन आर्मी ने रिसेंटली बजट एलोकेट किया है फिथ द प्रोडक्शन ऑफ 1,770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल्स जो एम करेंगे रिप्लेस करेंगे बेसिकली आपके ट्री सेवेंटी टू टैंक्स ये हैं आपके रशियन टैंक्स ओके सो इन्हें रिप्लेस किया जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे उसमें ए आई ड्रोन टेक एंड एक्टिव प्रोडक्शन सो क्या बजट है बजट है आपका 57,000 सेवन थाउजेंड करोर यहाँ पे ओके okay? इसके अलावा ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं 118 एंड एटीन अर्जुन मार्क ए वन टैंक्स जो इक्विप्ड होंगे आपके अपग्रेडेड टू फायर पावर मोबिलिटी इंज्योरेंस एंड प्रोटेक्शन के लिए इसके अलावा होंगे डिप्लॉय आपके 354 इंडिजिनियस लाइट टैंक्स अंडर द प्रोजेक्ट जोरावर ठीक है प्रोजेक्ट यहाँ पर याद रखना नेम नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिनेबल एनर्जी इनिशिएटिव अब एक इनिशिएटिव आ रहा है फॉर रिनेबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सो so इसके लिए एमओयू साइन किया गया है ठीक है किस दो ऑर्गेनाइजेशन ने एमओ साइन किया है तो पहली तो है आपकी इंडियन रेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आई और दूसरा है आपका पी पंजाब नेशनल बैंक ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सो so, उसके बेसिस पे याद रखना ठीक है ये अलाइन करेगा बेसिकली आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सीओपी ओ ट्वेंटी सिक्स में जो इन्होंने अनाउंस किया था अपना टू तो अचीव अंड्रेड गीगा वोट नॉन फोजल बेस्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन बाय 2013 तो उस एम के साथ अलाइन करने वाला है आपका ये इनिशिएटिव नेक्स्ट आ जाते हैं पंजाब के ऊपर अब देखो रिसेंटली पंजाब ने अपॉइंट किया है अपना स्टेट आईकिन फॉर पंजाब बाय द पंजाब चीफ इलेक्ट्रल ऑफिस ऑफिस ठीक है सो इन्होंने पॉइंट किया है इन्होंने अपॉइंट किया है इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल को ओके okay? नेक्स्ट आएंगे हम नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आप देखो ये आपका जो फेस्टिवल है ये रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है बाय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ठीक है एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली इसका नाम है आपका आदि महोत्सव दिस इज योर नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय ट्राइफेड व्हिच विच इज योर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट आएंगे हम एक बुक आई है आपकी रिसेंटली सो so, इस बुक का टाइटल है आपका डैबलिंग इन डिप्लोमेसी Authorized and otherwise recollections of non-career diplomats. Okay, so ये book है और ये आपकी लिखी गई है by Professor S. D. मुन Okay. नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डे पे. पर सो ट्वेंटी फेब्रवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस और इसका इस बार का थीम है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायसेज नेक्स्ट आएंगे हम वो वुकैपाथ पे आज की टॉप फाइव वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं पहला है आपका वर्ड बर्ड गोइंग डिवलपिंग और एक्सपैंडिंग सेकेंड आ जाता है आपका इनग्रेन विच मीन समथिंग दैट हैज एक्सिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट वेरी डिफिकल्ट टू चेंज थर्ड आ जाता है आपका पेडेगॉगी विच मीन्स द आर्ट साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग से रिलेटेड करता है ये टू इनकरेज एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट लास्टली हम आ जाते हैं सोथ या फिर आप कह सकते हो सीक मींस टू मेक अ सर्च और अ इंक्वायरी ये क्वेश्चन हमने पूछा था आपके लास्ट सेशन में सो so, कौन किसने आपका गोल्ड विन किया है इन द एशियन टीम चैंपियनशिप ओके सो दैट इज अनमोल खरब शी हेज वन गोल्ड इन द एशियन टीम चैंपियनशिप सो दिस वॉज अ बिग थिंग है लास्ट टाइम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे आई होप यू वाल आंसर दिस इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट गेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल विद डैट वील एंड द सेशन है थैंक यू फॉर वॉचिंग